हजारीबाग उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो शराब तस्कर गुंजन कुमार और मिथिलेश सिंह पटना बिहार के रहने वाले हैं, जो झारखंड के हजारीबाग से अवैध रूप से शराब का कारोबार बिहार में कर रहे थे। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में शराब बिहार बस के जरिए भेजा जा रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने यह सफलता पाई। उत्पाद विभाग ने गुंजन कुमार के पास से 48 लीटर बियर और मिथिलेश सिंह के पास से 224 पाउच मसाला शराब बरामद किया। गिरफ्त में आए आरोपियों का कहना है कि बिहार में बियर बोतल 200 रुपये की दर से स्थानीय लोगों को बेचा जाता है। बिहार का शराब तस्कर प्रति बोतल 300 रुपये की दर से बेचता है। उसने यह भी बताया कि मैं बीच बीच में कबाड़ी का काम करता था, जिसका काम था झारखंड से शराब बिहार पहुँचाना। यह दूसरा खेप शराब का बस के जरिए भेज रहा था। वहीं दो अन्य राजेश कुमार और अरुण कुमार मेहता की गिरफ्तारी बड़ासी से हुई है, जिसके पास से 10 लीटर और 15 लीटर चुलाई शराब बरामद हुआ है। साथ ही दो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया है। रात 11 बजे गुप्त सूचना के आधार पर बरही से जितेंद्र कुमार प्रभारी और अवनिक्षेपक के साथ है और अधीनस्थ कर्मियों के साथ सशस्त्र बल के साथ वहीं बरही चौक पर दो व्यक्तियों से गिरफ्तारी किया गया है। एक व्यक्ति मिथिलेश सिंह से 224 लीटर अवैध मसालेदार देसी शराब की गिरफ्तारी हुई है और एक से गुंजन कुमार जिसका नाम है उनसे 48 लीटर बियर की बरामदगी हुई है। ये दोनों पटना के निवासी हैं और ये सब जो है पटना बस के द्वारा लेके जाते हैं और वहाँ बिक्री करते हैं। क्या लगता है भविष्य में भी ऐसा कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हमेशा राइस के दृष्टिकोण पर हमेशा करते रहेंगे। ये पहली बार समझ आ रही कि बस से भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है शराब, इस पर क्या विशेष रूप से? गुप्त सूचना कुछ इधर मिली थी हमको, विचारों से पहले गुप्त सूचना मिला था।